कर देना। अब अगर हम देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ में वॉइस लिखें, ठीक है, इन्फिनिटिव लिखें, तो वॉइस कैसे चेंज करोगे? इट इज टाइम के साथ लिखें तो कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे बड़ी एक लॉजिकल बात है जो सबको ध्यान रखनी है, क्या कि जो देयर है ना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होते हैं, उनकी पोजिशन सेंटेंस के शुरुआत में ही रहती है, उनकी पोजिशन नहीं चेंज होती। तो देयर जहाँ लिखा है यहीं रहेगा, ठीक है। अगर देयर की पोजिशन नहीं चेंज होगी तो उसके बाद लिखी गई वर्ब की भी नहीं चेंज होगी, तो आर भी वर्ब यहीं रहेगी। अगर आर वर्ब वहाँ रहेगी तो फिर ये मैनी क्वेश्चंस जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, इसकी भी पोजिशन नहीं चेंज होगी। तो इतना सेंटेंस तो हम चेंज नहीं कर सकते, देयर आर मैनी क्वेश्चंस, इसको नहीं टच किया जा सकता, ये एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस के शुरुआत में ही आते हैं, तो देयर सबसे पहले आएगा। अगर देयर सबसे पहले आएगा तो उसकी जो वर्ब है वो उसके बाद रहेगी, और वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी वहीं पर रहेगा। तो अब हमें वॉइस कैसे चेंज करनी है? अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो टू डिस्कस इन्फिनिटिव है ना, इसको टू बी डिस्कस्ड कर देना। तो जो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, अगर उसके साथ कभी कोई इन्फिनिटिव लिखा हो तो उसको वॉइस चेंज करते समय उसकी पोजिशन वही रहेगी, बस उसकी फॉर्म पैसिव कर देनी है, टू डिस्कस का कर देना है, टू बी डिस्कस। तो ये लो हमारा हो गया काम, लिखा था टू डिस्कस, ये हमने कर दिया टू बी डिस्कस, अब वॉइस चेंज हो गए। अब इसी तरीके से मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख दूं ऐसे ही, देयर इज नथिंग टू ईट। आप लोग चाहो अपने नोट्स में लिख लेना, मैं केवल ओरली बोल देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया देयर इज नथिंग टू ईट, अब इसका वॉइस चेंज करना है देयर इज नथिंग टू ईट का, तो हम क्या कर देंगे, देयर इज नथिंग टू बी ईटन, वॉइस चेंज हो गया, ठीक है। तो देयर के साथ में, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो होता है, इसके साथ में लिखे गए इन्फिनिटिव जो होते हैं उनमें बस हमें उनकी फॉर्म को पैसिव बनाना होता है, बाकी उनका मीनिंग पहले से ही पैसिव रह रहा होता है, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं करने होते हैं। मान लो हमने लिख दिया देयर आर मैनी डाउट्स टू सॉल्व, ठीक है, तो उसका पैसिव जाएगा देयर आर मैनी डाउट्स टू बी सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इट इज टाइम टू टेक मेडिसिन। अब देखो जो इट इज टाइम हमने लिखा ना, ये इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इट इज टाइम एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज होती है, जैसे देयर होता है ना, देयर एडवर्ब होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जाता है, वैसे हम लिख देंगे इट इज टाइम। अब हमें क्या करना है, इस इन्फिनेटिव टू टेक का बनाना है पैसिव। तो जब हम टू टेक का पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मेडिसिन है टू टेक का ऑब्जेक्ट, उसको हमें टू टेक का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसको हम फॉर प्रेपोजिशन के साथ यहां लिख देंगे, ठीक है। इट इज टाइम फॉर मेडिसिन, और अब टू टेक का हम पैसिव कर देंगे टू बी टेकन, ठीक है। इट इज टाइम फॉर मेडिसिन टू बी टेकन, तो ये जो टू टेक है इसका हमने कर दिया टू बी टेकन, तो ये पैसिव हो गया, और ये जो मेडिसिन यहां पे था उसको हमने लिख दिया फॉर मेडिसिन, तो आंसर जाएगा इट इज टाइम फॉर मेडिसिन टू बी टेकन, इस तरीके से लिखना है। अभी जो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए ना, इनके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, वॉइस अपने आप चेंज कर लेना, भेजना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी सकते हो। देखो एक क्वेश्चन जिसका आपको वॉइस चेंज करना है वो है देयर इज नथिंग टू ईट, ठीक है, इसका आपको पैसे बनाना है। दूसरा है It is time to, it is time to say prayers. It is time to say prayers. प्रार्थना करने का समय है, ठीक। तो ये जो दो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिखे ना, आप इनका पैसिव लिख के मुझे बताएं क्या होगा, इनका पैसिव वो लिख के बताएं, मतलब व्हाट्सएप पे बता देना, यहाँ पे तो कोई जरूरी नहीं है, पता ही है सबको कैसे होगा चेंज, लेकिन बस आप खुद अपने आप प्रैक्टिस कर पाओ इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट में जो वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू स्कीम सून, अब यहाँ पे आप देखोगे हमने लिखा वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू स्कीम सून, ठीक है, तो यहाँ पे जो टू लॉन्च है ना ये इन्फिनिटिव है ना, टू लॉन्च जो है ये क्या है, ये इन्फिनिटिव है, और कमल वॉन्ट्स अदर्स टू फ्लैटर हिम, ये इन्फिनिटिव है, तो हमें इनका वॉइस चेंज करना है। अब वॉइस चेंज करने से पहले वाले जो सेंटेंस है उसको एक बार समझ लेते हैं कि अगर गोइंग टू के साथ इन्फिनिटिव लिखा हो तो हम उसका कैसे वॉइस चेंज करेंगे। अब जैसे हमने लिखा वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू स्कीम सून,
तो आप एक चीज समझो, यहाँ पे हमने मेन वर्ब लिखी है गोइंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, लेकिन हम उसका वॉइस नहीं चेंज कर सकते। गो वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, इंट्रांसिटिव होने की वजह से उसका वॉइस नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। तो जो हमने लिखा वी आर गोइंग टू लॉन्च न्यू स्कीम, इसमें गोइंग का वॉइस नहीं चेंज हो सकता। तो अब हम क्या करें, कैसे काम करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो इन्फिनिटिव है ना टू लॉन्च, इसका वॉइस चेंज कर दो। अब इसका वॉइस चेंज करोगे तो इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, भाई इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है ना न्यू स्कीम, तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, द न्यू स्कीम इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून, ठीक है। द न्यू स्कीम इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून बाय अस, बाय अस वैसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चलो लिख देते हैं। तो हमने देखो क्या लिखा, ये जो लिखा था ना गोइंग टू लॉन्च, जैसे लिखा था गोइंग टू लॉन्च, तो उसका पैसिव बन गया गोइंग टू बी लॉन्च, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट था द न्यू स्कीम, वो सब्जेक्ट बन गया। तो अगर गोइंग टू के साथ में इन्फिनिटिव लिखा हो तो हम उसका वॉइस ऐसे चेंज कर देंगे। मान लो हम एक सेंटेंस लिख दें, यू आर गोइंग टू ब्रेक इट, यू आर गोइंग टू ब्रेक इट। मान लो कोई चीज है किसी पर्सन के पास में और वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम उससे कह रहे हैं यू आर गोइंग टू ब्रेक इट। तो ये बात हमें कहनी हो तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहें, मतलब पैसिव वॉइस में कैसे कहें, इट इज गोइंग टू बी ब्रोकन बाय यू, इट इज गोइंग टू बी ब्रोकन बाय यू, ठीक है। अगला देखो, कमल वांट्स अदर्स टू फ्लैटर हिम। अब यहां पर आप देखोगे इस सेंटेंस में हमने एक वर्ब लिखी है वांट्स और एक इन्फिनिटिव लिखा है फ्लैटर। तो आप लोग बस मुझे ये बता दो कि जो वांट्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें जो हमने वर्ब लिखी है वांट्स, इस वांट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, बस इतना बता दो क्या है इस वांट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट। बताओगे सभी लोग वांट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो किसी को ऐसा लग सकता है कि भाई वांट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है अदर्स, कि कमल वांट्स अदर्स, तो जब ध्यान दोगे तब समझ में आएगा कि नहीं अदर्स नहीं है, क्योंकि हम अदर्स को ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो इसका मतलब जाएगा कमल दूसरों को चाहता है, कमल नहीं चाहता किसी को, कमल ये चाहता है कि दूसरे उसकी चापलूसी करें। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो वांट्स वर्ब है ना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है पूरी फ्रेज है, ठीक है, ये वांट वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है पूरी फ्रेज है। Others to flatter him, कमल ये चाहता है कि दूसरे उसको फ्लैटर करें, कि दूसरे उसकी चापलूसी करें, ये चाहता है, वो दूसरों को नहीं चाहता, ठीक है। तो अगर नहीं फ्लैटर करना भी नहीं चाहता, ये मत समझ लेना कि टू फ्लैटर ऑब्जेक्ट है, कि कमल wants to flatter, कि कमल फ्लैटर करना चाहता, नहीं, कमल चाहता है कि दूसरे लोग उसको फ्लैटर करें। तो यहाँ पर जो हमने वॉन्ट वर्ब लिखे ना, इसका ऑब्जेक्ट कोई डेडिकेटेड पर्सन कोई या थिंग नहीं है, मतलब कोई पर्सन या थिंग नहीं है, एक स्टेटमेंट है, ये जो पूरी फ्रेज है ना ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई क्लॉज या फ्रेज हो, वहां पर ना हमें इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज करना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज वांटेड बाय कमल दैट अदर्स फ्लैटर हिम, इट इज वॉन्टेड बाई कमल दैट अदर्स फ्लैटर हिम, मतलब कमल ये चाहता है कि दूसरे उसकी चापलूसी करें, तो ये पैसे हो जाएगा। तो हमने वॉन्ट वर्ब का पैसे बना दे इज वॉन्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी वर्ब थी, ठीक है, ये वॉन्ट्स वर्ब थी, ये एक्टिव थी, यहाँ पे हमने इसको पैसे बना दिया। तो हम इसको पैसिव ऐसे बना सकते हैं, इट इज वॉन्टेड बाई कमल दैट अदर्स फ्लैटर हिम, हो गया। अब एक दूसरी चीज देखो, क्या दूसरी चीज, यहां पर ये जो बात हम कर रहे हैं वो हम किसके बारे में कर रहे हैं, कमल के बारे में, कि कमल चाहता है कि दूसरे उसको फ्लैटर करें। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जो वॉन्ट हमारी वर्ब है इसका कोई डेडिकेटेड पर्सन सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम सब्जेक्ट बना के वॉइस चेंज कर पाए वॉन्ट का, ठीक है, तो आप टू फ्लैटर का ऑब्जेक्ट जो है हिम उसको सब्जेक्ट बना के वॉइस चेंज कर दो। तो अगर वॉन्ट वर्ब का वॉइस चेंज करने में कंफ्यूजन आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि उसका ऑब्जेक्ट कौन पर्सन या थिंग है, और कोई पर्सन या थिंग उसका ऑब्जेक्ट है भी नहीं, उसका ऑब्जेक्ट है पूरी फ्रेज है, तो आप टू फ्लैटर इन्फिनिटिव का वॉइस चेंज कर दो। टू फ्लैटर इन्फिनिटिव का जब वॉइस आप चेंज करोगे तो उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टू फ्लैटर वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है ना, वो हिम कोई और नहीं है, कमल ही है। ठीक है, कमल चाहता है कि दूसरे उसको फ्लैटर करें, उसका मतलब कमल को। तो यहाँ पे जो फ्लैटर वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने हिम लिखा है वो कोई और नहीं है, कमल ही है। तो हम कमल को सब्जेक्ट रखकर, हम कमल को सब्जेक्ट बना के रखें, ठीक है, और टू फ्लैटर का वॉइस चेंज कर दें टू बी फ्लैटर, तो भी ये सही हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कमल वॉन्ट्स टू बी फ्लैटर्ड बाई अदर्स, वगैरह लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस छोड़ दो। तो हम लिख देंगे कमल वॉन्ट्स टू बी फ्लैटर्ड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वॉन्ट्स हमारी वर्ब है, टू बी फ्लैटर्ड इन्फिनिटिव है, ठीक है। हम सबने ये बात पहले पढ़ी होगी, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि किसी भी मेन वर्ब के बाद में अगर हम कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हैं तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब जो टू बी फ्लैटर्ड हम वर्ब लिख रहे हैं ये पैसिव वॉइस में लिखी है और इसका सब्जेक्ट है कमल। तो अगर हम इस वर्ब को पैसिव वॉइस में कमल के साथ में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कमल फ्लैटर नहीं करेगा, कोई और लोग कमल को फ्लैटर करेंगे, ऐसा कमल चाहता है। तो हमारा मीनिंग भी मैच कर गया। तो हम इसको दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं, एक तरीका तो है कमल वॉन्ट्स टू बी फ्लैटर्ड, दूसरा तरीका है इट इज वॉन्टेड बाई कमल दैट अदर्स फ्लैटर हिम। दोनों में डिफरेंस समझ लेना, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हमने पैसिव बनाया वो हमने बनाया मेन वर्ब वॉन्टेड का, यहाँ पर हमने पैसिव बनाया इन्फिनिटिव का, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस का दो तरीके से वॉइस चेंज किया जा सकता है। अब मैं आपके लिए ना एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग उसका वॉइस चेंज करके मुझे बताना। देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है बच्चों, they want me to obey them, ठीक है, they want me to obey them। चलो बताओ आंसर, बताओ इसका आंसर, यही बताना है अभी बताना है। दे वॉन्ट मी टू ओबे देम, वो चाहते हैं कि मैं उनको ओबे करूं, बताओ भाई। अब देखो एक तो इसका पैसिव बन जाएगा ये कि इट इज वॉन्टेड बाई देम दैट आई ओबे देम, ठीक है। अब दूसरा पता है क्या बन जाएगा, दे वॉन्ट टू बी ओबेड बाई मी, दे वॉन्ट टू बी ओबेड बाई मी, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, जो टू ओबे इन्फिनिटिव था ना उसका पैसिव बना दिया, टू बी ओबेड कर दिया, दे वॉन्ट टू बी ओबेड बाई मी, वो चाहते हैं कि मेरे द्वारा उनको ओबे किया जाए, यही है भी। दे वॉन्ट मी टू ओबे देम का मतलब वो चाहते हैं कि मैं उनको ओबे करूं, तो दे वॉन्ट टू बी ओबेड बाई मी का मतलब हो गया वो मेरे द्वारा ओबे करवाया जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनको ओबे करूँ, ठीक है।